साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, थेरेपिस्ट। जितनी मुश्किल इनकी स्पेलिंग और प्रोनंसिएशन है, शायद उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल है इन लोगों के पास जाने का डर, है ना। हेलो नमस्ते, मेरा नाम है गरिमा और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जितनी इम्पोर्टेंस हम अपनी फिजिकल हेल्थ को देते हैं, उतनी ही ज़रूरी हमारी मेंटल हेल्थ भी है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी पेरेंट्स की जेनरेशन में ये सभी टर्म्स कभी एग्जिस्ट करते थे, या उनकी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुआ करती थी, बिल्कुल सॉर्टेड लाइफ थी उनकी? तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। या फिर आज भी अगर हम अपने पेरेंट्स के सामने कोई प्रॉब्लम लेके जाते हैं तो देवर लाइक कि अरे सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। तो इससे ये चीज़ तो क्लियर है कि हर जनरेशन की कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं और आई एम श्योर उनके सोल्यूशंस भी होंगे। इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जनरेशन जिसे इंटरनेट मिला है, टेक्नोलॉजी वाइज दे आर मोर एडवांस्ड, एजुकेटेड हैं, पीपल अवेयर हैं ज़्यादा। इवन इतने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होने के बावजूद हम रोज़ देखते हैं कि मेंटल इलनेस की प्रॉब्लम डे बाई डे बढ़ रही है। यानी कि कुछ तो ऐसा है जो हमें अपनी पुरानी जनरेशन से सीखने की ज़रूरत। तो चलिए अब जानते हैं कि एक्चुअल में मेंटल हेल्थ का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे। मेंटल हेल्थ includes our emotional, psychological and social well-being. It helps us to determine how we handle stress, relate to others and make choices in our life. काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सी डेफिनेशन है, तो चलिए आसान भाषा में समझते हैं कि इसका मतलब ये है कि हम खुद के बारे में कैसा महसूस करते हैं, क्या थॉट्स हैं हमारे खुद को लेकर और दूसरों को लेकर, हम क्या फील करते हैं डे टू डे, और हम किस तरीके से दूसरों से एम्पथाइज हैं या कंपैशनेट हैं, इवन अपने लाइफ के अप्स एंड डाउन को हम कैसे कोप अप करते हैं। मेंटल इलनेस, आपको जान के हैरानी होगी कि आज भी ये शब्द स्टिग्माटाइज्ड है। स्टिग्मा यानी अ मार्क ऑफ डिसग्रेस, कुछ ऐसा जिसके बारे में लोग बात नहीं करना चाहते या उनको जानकारी नहीं है। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का सिंपल सा मोटिव ये है कि मेंटल इलनेस जैसे तमाम प्रॉब्लम, डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, या बाइपोलर डिसऑर्डर हो, या पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर हो, इन सभी प्रॉब्लम को उतना ही सिंपल वे में देखना चाहिए जितना कि हम खांसी, जुखाम या बुखार को देखते हैं। क्योंकि मेंटल इलनेस होना प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि आपको किस डॉक्टर को कंसल्ट करना है। सुनने में जितना आसान लगता है शायद उतना है नहीं। 75% ऑफ पीपल जिनको अपनी लाइफ में कभी कोई मेंटल डिसऑर्डर रहा हो, वो कभी प्रोफेशनल हेल्प को सीक आउट ही नहीं करते हैं। कारण 4, शेम, ब्लेम, फियर ऑफ बीइंग जज्ड एंड दैट मेंटल वाला टैग। जब भी कोई साइकियाट्रिस्ट को विजिट करता है तो हम जनरली यही मानते हैं दैट दे आर द मोस्ट वल्नरेबल क्रिएचर ऑन दिस प्लैनेट। स्टैट्स की बात हो ही रही है तो हम WHO की एक रिपोर्ट के बारे में भी बात कर लेते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हर 4 में से एक इंसान को कभी ना कभी अपने लाइफ टाइम में न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर या मेंटल इलनेस की प्रॉब्लम हुई है। ये पूरा टोटल फिगर 450 मिलियन है, विच इज़ अ वेरी ह्यूज नंबर। यूनाइटेड नेशंस की तरफ से हर साल वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की एक रिपोर्ट जारी होती है, और 2020 में इंडिया की रैंक रही है 144 आउट ऑफ 156 कंट्री। इंडिया इज़ इन बॉटम 15। तो आप इस एनालिसिस से ये समझ सकते हैं कि सिचुएशन काफ़ी सीरियस है। तो चलिए अब जानते हैं कि इन सब के पीछे का रूट कॉज क्या है। ब्रेन, पर एक्चुअल में कल्प्रिट ब्रेन नहीं है, न्यूरॉन है। न्यूरॉन जो कि हमारे ब्रेन के वर्किंग यूनिट्स हैं, तो हमारे ब्रेन के अंदर अराउंड 86 बिलियन न्यूरॉन्स प्रेजेंट हैं। यहाँ हमें ये जानना ज़रूरी है कि एक नेगेटिव थॉट हमारे दिमाग में कैसे मल्टीप्लाई होता है। इट्स जस्ट लाइक अ फीडबैक लूप। चलिए अब कुछ कॉमन कॉजेज देख लेते हैं। फैमिली हिस्ट्री, जहाँ जीन्स के थ्रू पेरेंट्स से ये चीज़ें नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट हो जाती हैं। ड्रग अब्यूज़ या एडिक्शन, कुछ इमोशनल या स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स रहे हों, हेल्थ प्रॉब्लम्स जैसे कि हार्ट डिजीज़, हार्मोनल इम्बैलेंस, इमोशनल रिप्रेशन, बाकी पर्सन टू पर्सन पे वैरी करते हैं ये चीज़। हम इसे निग्लेक्ट करते हैं वो है फिज़िकल एक्टिविटी करना। तो
तो ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि अगर हम एक दिन में कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, चाहे वो वॉकिंग हो, रनिंग हो, योगा हो, कुछ भी अगर हम करते हैं तो ये हमारे मेंटल हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। दूसरा सोल्यूशन है बिगिन अ माइंडफुल प्रैक्टिस, जिसमें मेडिटेशन हो सकता है, फीलिंग ऑफ एम्पथी या ग्रेटफुलनेस, पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलना हो। सुनने में काफ़ी फैंसी साउंड होता है ना, लेकिन इट एक्चुअली वर्क्स, क्योंकि हमें पता है कि हमारा ब्रेन एक मसल है और उसे ट्रेन किया जा सकता है, यानी कि हम नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स से रिप्लेस कर सकते हैं। तीसरा सोल्यूशन है आइसोलेट योरसेल्फ फ्रॉम नेगेटिव पीपल, क्योंकि स्टडी कहती है कि हम एज एन इंडिविजुअल अपने आसपास मौजूद 5 लोगों का एवरेज हैं। तो आपको देखना है कि वो 5 लोग कौन हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं, पॉजिटिवली क्रिटिसाइज करते हैं। एंड लास्टली सबसे अंडररेटेड सॉल्यूशन, जिस पर कभी कोई ध्यान ही नहीं देता, वो सबसे ज़्यादा एसेंशियल है, वो है गुड डाइट एंड गुड स्लीप। तो ये वो चीज़ है जो हमें अपने पेरेंट्स की जेनरेशन से सीखनी चाहिए। तो आप देखेंगे कि उनका डाइट भी बहुत सही होता है और उनका एक पर्टिकुलर स्लीपिंग पैटर्न होता है। यहाँ पे मैं सिर्फ एक बात बोलना चाहूँगी कि हो सकता है कि आपका बच्चा एडवांस मैथ्स करता हो, टॉप ग्रेडर हो अपनी क्लास का, 3-3 लैंग्वेजेस आती हों, लेकिन अगर वो अपने इमोशंस को हैंडल नहीं कर पा रहा है, कन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व नहीं कर पा रहा है, स्ट्रेस नहीं हैंडल कर पा रहा है, तो ये बाकी स्टफ़ मैटर ही नहीं करते, बिकॉज इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट IQ। हमें अपने बच्चों के आसपास एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, क्योंकि हर इंसान का रिकवरी रेट अलग होता है। काफ़ी चीज़ें इफ़ेक्ट होती हैं, जिसमें मेमोरी हो गया, सेल्फ कॉन्फिडेंस हिट करता है सबसे ज़्यादा, बट कुछ लोग जल्दी रिकवर हो जाते हैं, कुछ लोगों को बहुत टाइम लगता है। बट पीपल एक्सपेक्ट योर रिकवरी लाइक अ वी शेप, कि आप बिल्कुल गिरे और बिल्कुल रिकवर हो जाएंगे, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो इसलिए प्लीज़ डोंट जज। इस वीडियो में हमने मेंटल इलनेस के टाइप्स ऐड नहीं किए हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा था, वो चीज़ हम अगले सेगमेंट में ऐड कर लेंगे। तो आज की वीडियो को बस इतना ही रखते हैं, और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को करिए सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। जय हिंद। रिलेट टू अदर्स एंड भूल गए।